कुछ लोग घर में भी आ गए तो फिर उनसे मिलकर मैं यहाँ पे आई और मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है और सबके साथ जिस आंदोलन के साथ और जिस पार्टी के साथ मैं तन मन से जुड़ी हुई थी मैं उसे छोड़ रही हूँ। मैं अपना त्याग पत्र दे रही हूँ सारी मेंबरशिप से भी और सारी पार्टी पोजिशन से। मैं स्पोक्स पर्सन भी हूँ पार्टी की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी हूँ और प्राइमरी फाउंडर मेंबर भी हूँ। तो मैं उन सब से त्याग पत्र दे रही हूँ और मेरी वजह क्या है मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू गिव अप माई मेंबरशिप ऑफ द आम आदमी पार्टी एंड रिजाइन फ्रॉम ऑल पोजिशन ऑफ द पार्टी। दिस इज इंडीड अ डिफिकल्ट डिसीजन फॉर मी एंड आई बिलीव that AAM would have done a lot and has done a lot to change the political discourse for the better in the country. A lot of mistakes that the party has made can be excused by the fact that it is a new party committed to a corruption-free India. So, मेरे लिए बहुत ही एक गंभीर और बहुत ही दुखी मन के साथ ये करना पड़ रहा है, बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि AAM जो कि बहुत कुछ कर सकता था और बहुत कुछ इसने किया है देश में जो राजनीतिक डिस्कोर्स है उसको बदलने के लिए, मैं उस पार्टी को छोड़ रही हूँ। और मुझे लगता है कई गलतियां भी हुई है पार्टी से, लेकिन एक नई पार्टी है और उसको इसके लिए थोड़ा सा आपको गुंजाइश देनी चाहिए। बट माई डिसीजन टू लीव द पार्टी इज ट्रिगर्ड बाय द लैक ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी स्पेशली फ्रॉम अ पार्टी दैट कॉन्स्टेंटली टॉक्स ऑफ स्वराज। आई डिनाय दिस वर कैंपेन वेहेमेंटली that my resignation has to do with being fielded from Ghaziabad. I wouldn't have valiantly fought from a seat I didn't personally opt for. The reasons why, because of which I'm leaving. मैं हिंदी में फिर से बोल दूँ कि मैं एक साथ बोल दूँ। जी बोल दूँ।